आ जाएं। कॉफी लेकर आई हूं मैं दमीर साहब। बहुत शुक्रिया यास्मीन। दमीर साहब। हाँ कहिए यास्मीन। दरअसल दमीर साहब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। बैठिए। बात को घुमाए बगैर मुद्दे पर आना चाहूंगी मैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी आमद से हम खासे खुश नहीं थे, लेकिन वक्त के साथ साथ आप हमें अच्छे लगने लगे, खासतौर पर मुझे। आपके काम से और आपकी पर्सनालिटी से मैं बहुत मुतासिर हूँ दमीर साहब। इंतहा से ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं हर चीज से वाकिफ हूँ और आपकी वो सारी कार्रवाइयाँ, खतरनाक क्लाइंट्स को यहाँ लाना, और इस बारे में भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि सिलीन का जाली आशिक बनके उसे फूल और खत भेजना, इन सब चालों के बारे में जानता हूँ। सही कह रहे हैं, मैं भी सीधा इसी मुद्दे पे बात करने वाली थी। और माफी मांगने से पहले आपको बताना चाहती थी कि आप मेरे लिए कितने खास हैं। इसीलिए माफी मांगने से पहले इस बात का इजहार आपके सामने करना जरूरी था। आइंदा इस किस्म की गलती नहीं होगी तमीर साहब। यास्मीन हर तकलीफ से खुद गुजर सकती है, लेकिन आप पर एक आंच भी आने नहीं दूंगी मैं। आपकी तरफ बढ़ने वाला हर खतरा खुद की तरफ मोड़ लूंगी, ये आपसे वादा है मेरा। ठीक है, मान लेता हूँ। ये याद रखिएगा, मैं आप ही की तरफ हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोहब्बत करने वालों के साथ हूँ मैं, और इसी वजह से आपको भी चाहती हूँ मैं। सिलीन से भी बहुत प्यार करती हूँ। जब भी आप दोनों को साथ देखती हूँ मेरा दिल खुशी से झूम उठता है। मेरी खुशी की इंतहा होती है दमीर साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मुझे खुशी हुई। कॉफी ठंडी होने से पहले पी लीजिएगा। मगर पहले पानी मिल जाए तो। आप बहुत मीठा बोलते हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। आ रही हूँ। ये सब क्या था, कुछ समझ नहीं आया। हाँ निजात सुनो, मैं सिलीन को कहीं दूर ले जाना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा दूर। खैरियत, उसे पता चल गया क्या? नहीं, उससे भी बुरा हुआ। जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। सारी रात उन दोनों के दरमियान बहुत सी बातें हुई। देखो, सिलीन और एलूल दोस्त बन चुकी हैं, और अगर तुम चाहते हो कि उनकी दोस्ती मजीद गहरी ना हो जाए, तुम सिलीन को कहीं दूर ले जाओ यहाँ से। बात बढ़ती जा रही है, मैं उसे सब कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन किसी ऐसी जगह पर जहाँ हम दोनों के अलावा कोई भी ना हो। लेकिन कहाँ जाने का इरादा है? तुमने मेरे बाबा का वो पुराना पहाड़ी वाला घर देखा है या नहीं? वो जो सालों पहले तुम्हारे बाबा बेच रहे थे? मुझे ज्यादा तो नहीं पता। मतलब वो बेच दिया है। चलो खैर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बेच दिया है मुझे। तुमने खरीदा है? तुमने कभी बताया नहीं? मुझे बताने का कभी तुम्हें मौका ही नहीं मिला। बताया दमीर, मैं उसकी मरम्मत भी करवा रहा था काफी वक्त से। गया नहीं, लेकिन पता नहीं कि अभी वो किस हाल में है। उसका मसला नहीं है, मुझे बस उससे वहां बात करनी है, यहां से दूर, बचपन के हवाले से। मैं रात को आके तुमसे चाबी ले जाऊंगा। नहीं नहीं, रहने दो, मैं ऑफिस जाऊंगा, मुझे उस तरफ कुछ काम है। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। आ,
बुराक, कुछ वक्त हो तो तुमसे बात कर सकता हूं मैं? ठीक है। आ जाए। जानता हूं तुम्हारे मामलात में कुछ मुश्किलात हैं। तो मदद करना चाहते हो तुम मेरी? सेलिन को 2 दिन की छुट्टी दे सकते हो क्या? यानी तुम दोनों 2 दिन के लिए कहीं जा रहे हो? क्या ये सही वक्त है कहीं पर जाने का, जबकि हमें एक नया क्लाइंट अभी ही मिला है और ये क्लाइंट एलूल सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर लेकर आई है। तुम जानते हो कि हमारी कंपनी पे बहुत कर्ज है और इस क्लाइंट की हमें हद से ज्यादा जरूरत थी। दमीर, सेलिन को क्या 2 दिन की छुट्टी दे सकते हो? जो कंपनी की सूरत हाल थी मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी मर्जी, कल और परसों मैं उसको छुट्टी दे सकता हूं। ये लीजिए। हाँ, शुक्रिया। You're welcome. मैंने इरम साहिबा की रिक्वेस्ट ईमेल कर दी है। हाँ, शुक्रिया मर्फ। चलो दोस्तों, जल्दी से उठो, खाने का वक्त हो गया है। क्यों ना हम आज मिलकर हैप्पी पाई चलते हैं। बुराक, फारूक साहब, चलो सब चलते हैं। हाँ ठीक है यास्मीन, चलते हैं। आ जाओ सलीम। एक मिनट। आ जाए। भूख नहीं लगी क्या? मुझे कल के काम की कुछ तैयारी करनी है। मैं लड़कियों के साथ खाना खाने जा रही हूँ। कौन कौन? हाँ वो मर्फ, ऐदा और यास्मीन। एलूल साहिबा नहीं आई, शायद तुर्कान साहिबा के साथ मीटिंग लंबी हो गई है। मैं उन्हें कॉल करने वाली थी लेकिन तुम्हें देखकर भूल गई, करूँ या नहीं? कॉल करने की क्या जरूरत है सेलिन, फारिग होंगी तो आ जाएंगी। ठीक है, तुम आराम से अपना काम करो, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो सेलिन? बताया ना खाना खाने। मगर मुझसे ऐसे मिले बगैर कैसे जा सकती हो तुम?